श्री जनकपुरी महोत्सव आयोजन समिति द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान आयोजन समिति के सदस्य द्वारा आयोजन समिति की टीम का गठन किया गया, साथ ही सदस्यों ने जनकपुरी महोत्सव से जुड़ी अन्य जानकारी भी साझा की। दीप जायसवाल है और मैं जनकपुरी कमेटी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एक जिम्मेदार महामंत्री का पद मुझे दिया है और 8 साल बाद हमारे क्षेत्र में जनकपुरी दोबारा आई है, तो हम लोगों की पूरी यही कोशिश रहेगी कि जिससे पहले जनकपुरी हम लोगों ने भव्य और एक समाज में अच्छा संदेश दिया है, उसी तरीके इस बार भी हम संदेश देने की कोशिश करेंगे। जैसे कि सभी लोग जानते हैं, दयालबाग एक शांति प्रिय क्षेत्र और हरियाली के लिए जाना जाता है। आज आगरा वासियों को संदेश दे रहे हैं कि जनकपुरी दयालबाग में सजी हुई है, भगवान रामचंद्र जी की सवारी आज दयालबाग में आएगी। 21, 22, 23, 24 को प्रोग्राम रहेगा, वो आगरा वासियों को संदेश देते हैं कि आप इस आयोजन को पूर्ण रूप से आए और इसका पूरा आनंद लें, भगवान रामचंद्र जी के विवाह का। देखिए, आज लगभग 15 से 20 दिन पहले से ही अपनी कार्य योजना चल रही थी, जब से जनकपुरी का आयोजन दयालबाग को मिला। बड़ा आयोजन है, तो इसलिए आज पूरी आयोजन समिति की टीम का गठन किया गया। इसमें सर्वसम्मति के साथ माननीय सुरेश चंद गर्ग जी हैं, जो कि तपन ग्रुप के हैं, बहुत बड़ा ग्रुप है, उनके अध्यक्ष बनाए गए हैं। हम सबको संरक्षक की भूमिका में और अध्यक्ष की भूमिका में ये हमारा आशीर्वाद देंगे और मुझे सर्वसम्मति से समिति ने संयोजक बनाया गया है। ऐसी सब पूरी टीम बनाई गई है। मुझे जनकपुरी महोत्सव समिति ने सभी ने मिलजुल कर पूर्ण सहमति से स्वागत अध्यक्ष का पदभार दिया है और मैं चाहूँगा कि जितना भी मेरे से हो सकता है तन मन धन से इनकी इच्छाओं पर मैं खरा उतरूँ। कार्य समिति की जो भी सोच मेरे प्रति है और जो कार्य समिति के हमारे अध्यक्ष हैं माननीय सुरेश चंद्र जी तपन ग्रुप से और हमारे संयोजक जी बनाए हैं भरत शर्मा जी, मुझे स्वागत अध्यक्ष, बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं, प्रफुल्लित हैं, आनंदित हैं। शब्दों में बयान करना बड़ा मुश्किल है। मुझे कार्यकारिणी में महामंत्री का स्थान दिया गया है, बाबूजी का आशीर्वाद है, अग्रवाल संगठन से अध्यक्ष रहा हूँ, थोड़ा सा अनुभव काम आएगा। बाकी का मैं चाहूँगा कि पूरा दयालबाग जनकपुरी के रूप में काम करें और हम राम जी का स्वागत करें